चलिए ये क्वेश्चन करिए 2021 का, जल्दी करेंगे है ना ये वाला, आज एटलीस्ट 2021 भी खत्म कर लेंगे आज क्वेश्चन हम। एज वेल एज एज देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं, मैं फिर बोलूंगा इंग्लिश बहुत सिंपल आती है, मतलब अगर आपने पढ़ी है, पढ़ी नहीं का मतलब है कि आप रीड करते हो चीजें, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली पहली बार में समझ में जाएगा कि क्या आना है। ये सिंपल रीड करके समझ आता है, गौरी सेड दैट शी कैन प्ले द कीबोर्ड एज वेल एज हर सिस्टर, आप बोलते भी है ये। ये क्वेश्चन करो, रीजनिंग का क्वेश्चन है, किसी को अगर पढ़ने में नहीं आ रहा तो मैं रीड कर दे रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शीट शोन अबव इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन, द फोल्डेड शीट विल लुक लाइक। सर जल्दी बताइए ऑप्शन बी जी क्या, बी 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 या सी, क्या बोल रहे हैं आप? बी बी ना, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, जब यहाँ से वापस आएगा तो ये इस तरीके से आएगा, ये दो जो लाइन्स हैं वो इस तरीके से हो जाएंगी, तो ये ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से ओवरलैप होगा ये। ठीक है, सिंपल है ना, तो मुश्किल तो नहीं लग रहा है। और जैसे जैसे अभी आप पूरा पीछे जाते जाओगे ना, 21 20 19 ने थोड़ा थोड़ा इजी होता जाएगा। ये तो पहले इजी आते थे, अब और डिफिकल्ट लेवल बढ़ा दिया है गेट का भी। कब तक इजी इजी करोगे भाई, उनकी भी तो मजबूरी है ना, कट ऑफ तुम लोग बढ़ाते जा रहे थे, देखा नहीं तुम्हारा जो क्या होता, हाँ कट ऑफ जो होते हैं पहले कहाँ 20 नंबर 22 नंबर 25 नंबर होता था, जिस टाइम पे मैंने एग्जाम दिया था 17 19 के अराउंड कुछ दिया था तो मुझे याद नहीं है, तो समवेयर अराउंड 36 नंबर 40 नंबर तक कट ऑफ जाने लगा था, तो अब का 15 नंबर 10 नंबर ऐसे कट ऑफ बढ़ता जाएगा, तो उनकी भी तो मजबूरी है, कब तक तुम 60 70 नंबर कट ऑफ थोड़ा ले जा पाओगे। सो दे आर टेस्टिंग यू नाउ। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या, इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड एनी वन ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब देन कॉस थीटा इज इक्वल टू। ओके देखो यहाँ पे एक चीज तो नहीं दी है, कोई बात नहीं चलो देखते हैं। क्यूब देखा है सबने कैसा होता है, यस क्यूब की प्रॉपर्टी बताओ, ओके डाइस जैसा। डाइस जैसा, नाइस, अच्छा एग्जांपल है, बट फिलहाल अपने रूम को क्यूब की तरह कंसीडर करना, हाँ जिस रूम में बैठे हो उसको समझ लेना क्यूब है। क्यूब क्या होता है बेसिकली, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्यूबॉइड की क्या होती है, डिफरेंट होती है लेंथ ब्रेथ हाइट, जैसे माचिस की डब्बी। ठीक है चलो, अभी आपसे क्या बोला गया है कि लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब एट एनी वन ऑफ द एजेस, अब मुझे बताओ ये डब्बा जो दिख रहा है इधर स्क्रीन पे, इसमें सबसे लंबी डायगोनल कहाँ होगी, नाम लिख दूँ ज़्यादा तो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बताओ तो यार किन दो पॉइंट्स के बीच सबसे लंबी डायगोनल होगी। ए टू बी ए और जी के बीच में है ना, बायोटेक वालों को तो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं मेंसुरेशन में, ये वाली आपसे क्या पूछा गया है कि बिटवीन द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड एनी वन ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब, एजेस मतलब ये, ठीक है, तो आपको बेसिकली ये जो एंगल आएगा ये पूछा है, ये थीटा बोल दो, ये बोल दो या इधर वाला एंगल बोल दो, ये थीटा है। ठीक है, अब इमेजिन करके बताओ, देखो सिंपल सी चीज बताऊं, बेस जो नीचे का एक नीचे वाला फ्लोर जिस समझ लो वो तुम्हारा ऐसा दिखेगा स्क्वायर के शेप में, ठीक
क्योंकि क्यूब बेसिकली क्या होता है, क्यूब में 6 स्क्वायर है बेसिकली, 4 साइड से, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है ना। क्यूब 6 स्क्वायर्स को मिला के बनता है। तो ये जो डायगोनल आएगी कोने से पहले वो छोड़ दे, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये जो लाइन होती है, ये डायगोनल जो होती है बेसिकली, ये 45 डिग्री के एंगल पे जाती है, ठीक है ना। ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल जो है देखो इधर, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये जो डायगोनल है, और यहाँ पे अगर इस पॉइंट से इतने सीधा सीधा परपेंडिकुलर लेके आता ऊपर की तरफ, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होती है। विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, पहले बता दो। नीचे वाली अगर तुम सोच, जिस फ्लोर पे तुम बैठे हो है ना, वो फ्लोर से लेके ये जो एज जा रहा है यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये जो डॉटेड लाइन नीचे वाली बनाई है, ठीक है। अब आते हैं ये दो एंगल्स पे, ठीक है। चलो विजुलाइज करना, थोड़ा सा इजी हो तभी होगा, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। कैसे करवाऊँ विजुलाइज में, और ठीक है चलो देखते हैं। ये 45 हो गया, तो ये वाला एंगल निकालना है अपने को बेसिकली, मेन चीज विजुअलाइजेशन की है वो देख लो बस। ये डायगोनल वाला पार्ट है, मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मतलब इरेज मतलब कि नहीं बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझना। ये वाला एंगल 45 होता है, ठीक है ना, ये वाला जो नीचे वाला है, इसी से एक जो ऊपर जा रही है ये वाली साइड लाइन जो आपका एज है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। अब आपको बेसिकली ये एंगल निकालना है बचा हुआ, ठीक है। तो आंसर तो मैं बता दूं, बट तुम लोगों को समझाना मुझे मुश्किल पड़ जाएगा अभी। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा, 60 √3/2, 1/√3, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल से करते हैं, कैसे करते हैं देखो। एक काम करो, ये क्यूब है ना, क्यूब की साइड को 1 अज्यूम कर लो, इससे ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। क्यूब का एज जो होता है उसको 1 अज्यूम कर लो। जब 1 अज्यूम करोगे तो ये नीचे वाली जो लेंथ आएगी डायगोनल, ये जो है, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि नीचे स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनस निकल जाएगी, ठीक है। हाइपोटेनस क्या निकलेगी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ा सबने पाइथागोरस थ्योरम की, नहीं पढ़ा है। सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस 1 1 है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। ये हो गया √2, ठीक है। अभी हमको चलना है इस वाले से लेके ये ऊपर, ए से लेके जी तक। अब 3 डॉट बना रहा हूँ मैं, सॉरी 3 पॉइंट बता रहा हूँ, ए सी और जी। ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, देखो ए सी और जी, ए टू सी इज आपके फ्लोर का डायगोनल, ठीक है, और ए से जी आपका ये वाला डायगोनल जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है, रूम का डायगोनल, ठीक है, नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने तक अपोजिट में। तो ये ए सी जी इज बेसिकली आपको इस टाइप का डायगोनल है, ये ए से सी जाएगा और ये जी जाएगा, ये राइट एंगल बना रहा है, जो मैंने आपको राइट एंगल यहाँ पे दिखाया था। इतना समझ आ रहा है कि नहीं, यस सर ठीक है। तो ए टू सी इज √2, सी टू जी की जो हाइट है वो 1 है। अगेन आपको यहाँ पे हाइपोटेनस निकालनी है, तो क्या निकालोगे, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इज 2, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 2 प्लस 1 इज 3, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 आएगा, तो एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3। ये आपके पास आ गई √3।
ठीक है। अब आपको बोला गया है एंगल निकालने के लिए, तो आपको बेसिकली ये एंगल निकालना है। अगर आप देखोगे तो यही है लॉन्गेस्ट डायगोनल और एच के बीच का एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलता तो इसके सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, ये हो जाती है बेस और ये होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जब भी थीटा किसी एक एंगल को आप मान के चल रहे हो तो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मान लेना। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? 1। हाइपोटेन्यूस कितनी है? √3। तो 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इसलिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री एक्सेल वाले बच्चों को पढ़ाने का, मेरा मैं बोला ना अभी आपको कि मैंने कराना है, रीजन इज दिस, क्योंकि अब क्वेश्चन आते हैं। यू कॉन्ट जस्ट से कि नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बीटी वालों का पार्ट है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये कॉस थीटा आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं आया है? तो मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी एंगल्स में जाता तो थोड़ा और मुश्किल पड़ सकती थी, बट मतलब ठीक है, ये ज़्यादा आसान तरीका कि आप इसको 1 1 अज्यूम करके चल लो, तो क्योंकि क्यूब है बराबर ही आएगा 1, नहीं तो ए अज्यूम कर लो। मैंने 1 अज्यूम किया, ए बाद में वैसे भी वो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये ए है तो ये √2 ए हो जाएगा, ये √3 ए हो जाता, और अल्टीमेटली जब बेस निकालते तो बेस ए हो जाता, हाइपोटेनस √3 ए होता, ए से ए कैंसिल हो जाता, 1/√3 बचता। तो ये एंगल जो है कॉस थीटा का ये सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो डजेंट मैटर 1 लो या कोई और वैल्यू लो। क्लियर है क्वेश्चन? क्योंकि नहीं हुआ क्या? बताओ भाई, नहीं तो मैं शुरू करूँ, इतना टाइम नहीं। कर दो सर। क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला है, ओपन कर दो। या फिर दो तरीके होते, इतना भी मत जाओ। इसको देखो क्या लिखा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ आ रहा है? ये यस सर। ओपन कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना है? ये। और दूसरा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी।
ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन अपॉइंट टू माइनस एक्स प्लस 3/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। यहाँ तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/2 इज व्हाट 1, ये तो कुछ नहीं बचा। ये वाले ब्रैकेट को देखो, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 1/2 माइनस 3/2, 3/2 माइनस 1/2 सुनता कितना 1.5 हो रहा था, 2 हो जाएगा मिला के, माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट पे तो कुछ भी नहीं बचना यहाँ तो सिर्फ मतलब सिर्फ ये बचेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ये 2 माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा तो 2 प्लस 2, ये x उधर जाएगा तो 2x माइनस x हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। एक तरीका तो ये सॉल्व करने का, ये तब होगा जब आप ये चीज विजुअलाइज कर पाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तरीका, ओपन कर दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है इसको ओपन कर दो, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन कर दो, ये माइनस का ध्यान रखना बस, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे जब ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है इस वजह से। ये एक तरीका बता रहा हूँ, कर लेना, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab ना, तो 2x बचेगा सिर्फ, प्लस बी स्क्वायर तो 1/4, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा, 2 × 3 3x, माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी नहीं बचा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ x होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आप ओपन करके देखना, ये तरीका जो मैं बोल रहा हूँ ये आप खुद से ट्राई करना, मैं बस डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो क्या होगा, तो ये एक्स का एक्स स्क्वायर जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 ये नीचे वाले 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3x बचेगा, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा सिर्फ x बचेगा, प्लस 3 का स्क्वायर इज 9/4 और सॉरी माइनस का हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 3x तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 1/4 माइनस का 9/4, ये आपको देगा माइनस का 8/4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, माइनस का 8/4 इज बेसिकली 2, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, सेम इक्वेशन बन गई जो ऊपर थी, एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से, सेम तरीके से, क्लियर है। एक क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। कट कट होगा, सिंपल है, यस। रीजन वही है, पेन है, पेन से क्या करते हैं लिखते हैं, तो पेन का राइट, नाइफ, नाइफ से क्या करते हैं काटते हैं, काटना मतलब कट, एज सिंपल एज दैट। चलिए ये बताइए, ऑप्शन सेम होगा क्या? हो सकता है सी, क्यों नहीं हो सकता, एनीबडी एल्स कोई ट्राई कर रहा है तो पता नहीं, तो मैं एक्सप्लेन करूँ फिर। इंग्लिश के क्वेश्चन है भाई सब, टाइम बचाया करो, मेरा भी अपना भी। चलो क्या लिखा है, लिसनिंग टू म्यूजिक ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंप्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसेस डिस्कम्फर्ट, ठीक है। साइंटिस्ट रिसर्च वेदर लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल स्टडिंग कैन हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर एंड द रिजल्ट्स फॉर इनकंक्लूसिव, मतलब पहले एक्सरसाइज वालों पर ट्राई किया, ठीक है, तुमने बोला कि एक्सरसाइज का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, फिर पढ़ने वाले बच्चों पर ट्राई किया, जो बच्चे पढ़ते हैं स्टडी करते हैं वहाँ पर रिजल्ट इनकंक्लूसिव आए,
क्यों आए, उसके लिए आगे ने एक्सप्लेनेशन दिया। स्टूडेंट्स हु नीडेड एक्सटर्नल स्टिमुलेशन फॉर स्टडिंग फेयर्ड वर्स, वाइल स्टूडेंट्स हु डिड नॉट नीड एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन बेनिफिटेड फ्रॉम म्यूजिक। मतलब जिसको बाहर से कोई चीज़ चाहिए होती, कोई एक्सटर्नल चीज, एक्सटर्नल फैक्टर जिसको अफेक्ट करता है, वैसे बच्चे उन्होंने मतलब वर्स्ट फेयर किया है, बाकी लोगों को इस चीज़ से बेनिफिट हुआ जिनको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या लिखे इन्फेरेंस के हिसाब से, कि लिसनिंग टू म्यूजिक हैज़ नो इफेक्ट ऑन लर्निंग, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन, देखो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन फिजिकल एक्सरसाइज, ये पार्ट सही है, बट नो इफेक्ट ऑन लर्निंग लिखा है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर्ड वर्स, सम स्टूडेंट्स ने वर्स फेयर किया तो इफेक्ट तो हो रहा है, तो नो इफेक्ट वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देन लिसनिंग टू म्यूजिक हैज़ अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट बोथ ऑन फिजिकल एक्सरसाइज एंड ऑन लर्निंग। पॉजिटिव इफेक्ट ये कहीं मैंशनड है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए मैंशनड है, लेकिन लर्निंग के लिए पॉजिटिव इफेक्ट मैंशन नहीं है। राइट, आधे बच्चों में है आधे में वर्स लिखा हुआ है, यू कांट से इनकंक्लूसिव है ये, यहाँ पे मैंशनड है तो ये पॉजिटिव तो बिल्कुल आप बोल ही नहीं सकते। देन लिसनिंग टू म्यूजिक हैज अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन फिजिकल एक्सरसाइज, दिस पार्ट इज ओके। देन म्यूजिक हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग ओनली इन सम स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओनली इन सम स्टूडेंट्स लिखा है, दैट पार्ट इज राइट। वाई? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइल स्टूडेंट्स हु डिड नॉट नीड एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन बेनिफिटेड फ्रॉम म्यूजिक, बेनिफिटेड मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है, तो कुछ स्टूडेंट हैं जिनको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें उससे फायदा होता है, तो दिस आंसर इज राइट। देन अगेन लिसनिंग टू म्यूजिक इज अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग, ये तो साफ गलत ही हो गया क्योंकि इनकंक्लूसिव बोला गया था पहले पार्ट में, गलत हो गया, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो योर आंसर विल बी सी। क्लियर है? ठीक ये करिए, अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है। Which one? C. A. लास्ट I guess A और C दोनों ऑप्शन सिमिलर नहीं है। वन नहीं है वो जो थर्ड लूज़र। नंबर में है, ए नंबर में लार्ज है और सी नंबर में थोड़ा छोटा दिया हुआ है, जो तीसरा वाला जो है तीसरा वाला मतलब कि लाइक सर सी और डी ना सीधे एलिमिनेट हो सकता है, मतलब सी। स्ट्रक्चर अगर देखे तो। हाँ सी और डी। ओके सी तो चलो ठीक है, इसका लेंथ कम है तो इस वजह से ये आपने एलिमिनेट कर दिया। डी आप बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे एलिमिनेट हो सकता है। ओके इफ यू से सो, होगा ए सही है सर, ए सही है। ए सही होगा। ठीक है, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है इसको पलट के देखना पड़ेगा। जो लोगों को डाउट हो रहा है तो मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से है ये अभी इस तरीके से लेटा हुआ है, इसको आपको इस तरीके से उठाना पड़ेगा घुमा के, तो वो एक दूसरे के सामने जब आप फिट करोगे तो वो फिट हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए दिया बट इट्स ओके, मेन बट बाकी ऑप्शंस भी वैसे ही दिए हुए। चलिए बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप चलिए रेशो का क्वेश्चन देख रहे हो, रेशो के कितने क्वेश्चन आते हैं, इसलिए रेशो सबसे पहले पढ़ाता हूँ।
नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली करना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो कैसे, इनिशियल का रेशियो दिया हुआ है 3 क्लासेस का स्टूडेंट्स का, ये इनिशियल रेशियो है। अगर आप इन सबको जोड़ोगे 13 + 3 = 16 + 6 = 22, राइट। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ना, वो 22 के मल्टीपल में होते हैं। अगर इसका दूसरा तरीका बताऊं तो बेसिकली अगर आप मानोगे इसमें 3x है बच्चे, इसमें 13x है, इसमें 6x है, तो इन सबको जोड़ोगे तो 22x आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो भी होगी, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी होंगे 22 के मल्टीपल के होंगे, दैट इज़ फाइन। लेट जस्ट अज्यूम कि एक्स की वैल्यू 1 है, या ये अज्यूम कर लो, या फिर इन 4 ऑप्शन पे अज्यूम लेके चल लो, ठीक है। 22, 66, 88, 110, अगर ये लेके चलते हो, लेट जस्ट सपोज। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है, क्योंकि बिगिनिंग का ही पूछा है आपसे बेसिकली, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। और जब 18 ऐड कर दिया है तीनों क्लासेस में, तो उनका नया रेशियो आया है, ठीक है। ये नया रेशियो आपको आपके आंसर एक्चुअली वेरीफाई करने के काम आएगा। कैसे, अगर एक्स की वैल्यू 1 है लेट सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बच्चे 13 बच्चे 6 बच्चे, और टोटल हो जाएंगे 22 बच्चे। अब अगर इसमें आप 18 ऐड करते हो सब में, तो क्या रेशियो बनेगा, 21, 31 और 18 + 6 = 24। ये सिंपल, सबसे सिंपल रेशियो है, क्योंकि 31 इज अ प्राइम नंबर, तो ये कटेगा नहीं। तो आपका ये नया रेशियो जो आया है वो इससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये छोड़ दो, 3 रखो एक्स की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, 13 3 = 39, और 3 6 = 18, और ये हो जाएगा 66, ठीक है, टोटल बच्चे। अब इसमें 18 ऐड करो फिर से, तो 18 + 9 = 27, 18 + 39 ये हो जाएगा कितना, 57, एंड 18 + 18 = 36। 3 से कैंसिल कर दो, 3 9 = 27, 3 से हो जाएगा तो 19, और ये हो जाएगा 3 से 12। क्या ये रेशियो आ रहा है क्या, अगेन नहीं आ रहा, ठीक है। 15 35 21, ये रेशियो नहीं मिल रहा, ये छोड़ दो। 4 लगा के देखो, तो 4 3 = 12, 4 13 = 52, 4 6 = 24, टोटल कितना जाएगा, 88, ठीक है। सब में 18 प्लस करो, तो 18 + 12 = 30, 18 + 52 = 70, 18 + 24 = 42, डिवाइड करो 2 से, 15 35 21, ये रेशियो आ रहा है, दैट मींस दिस इज आंसर। आप यहाँ पे इनिशियल से वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपने या तो मतलब हिट एंड ट्रायल करना पड़ती है आपको, 1 2 3 4 5 ऐसे, तब जाकर आपके 4 पे आपको आंसर मिलता है। आपको ये 3 ऑप्शन भी चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन यहाँ से कर लिया, 22 1 था, 23 था, 4 था, एंड 5 था, राइट। तो इस तरीके से मैंने चेक कर दिया, क्लियर है। सर, हीट एंड ट्रायल के अलावा और कोई मेथड नहीं है? अच्छा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सर ठीक, वही सोच रहा था। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में क्या गिवन है, 18 स्टूडेंट्स आर, अब आप 18 स्टूडेंट्स इसमें ऐड कर लेते, तो ये क्या हो जाता, 3x + 18, 13x + 18 और 6x + 18, फिर इन तीनों का रेशियो निकालना होता है आपको बेसिकली, ठीक है। वो किसके बराबर, 15 = 35 = 21, ये रेशियो गिवन है। तो आप फिर या तो फिर इक्वेट करके कर लेते, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये शॉर्ट है। बाकी और कुछ नहीं, आप कर तो ये भी सकते हो, a/b, b/c, लेकिन मतलब 3x + 18 डिवाइड बाय 13x + 18 इज इक्वल्स टू 21, कितना, 15/35। इस तरीके से करने की कोशिश करते तो भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तिकड़म बिठा के आप आंसर निकाल ही लेते, और ये सिंपल है ना, इसमें क्या दिक्कत है। समझ आया, सर ठीक है। ओके किस, एक मिनट रुकना ना, देखो यहां से भी करोगे तो कितना आएगा, जब ये कितना था, 15/35, 15/35 बेसिकली 3/7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 7 21x + 18 7 = 126, ठीक है। इज इक्वल्स टू, यहाँ 3 लिया तो 39x + 18 = 54, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे 18x बचेगा, 39 - 21x,
और यहाँ 126 माइनस 54 करोगे तो 72 बचेगा। एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 72/18, 72/18, 72/18 इज 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4। एक्स की वैल्यू 4 यहाँ पे रख देना तो 22 × 4 इज 88, तब भी आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। देखो ये क्वेश्चन ना मतलब मैथ्स वाला ही क्वेश्चन है, तो मुझे ना इस वैल्यू पर डाउट है, ये वैल्यू एक बार चेक करना पड़ सकती है। कौन सा, 2021 का पेपर है, नहीं तो आप ट्राई कीजिए, मैं देखता हूँ। सर सही क्वेश्चन, द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 वाज 1, यही क्वेश्चन, सही? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन कैसे करना है कोई मुझे बता सकता है, किसने कुछ सोचा है? मतलब हाँ थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट बस मुझे अप्रोच बता दो सो दैट वी कैन कैरी ऑन। ईयर 3 का कॉस्ट क्या है, ईयर 1 है, विच वाज हाफ ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 2, ईयर 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 वाज 1/3 ऑफ द कॉस्ट यूनिट इन ईयर 1, ये 1/3 है तो ये 3 हो जाएगा, ये ईयर 1 का कॉस्ट। सर सीधे ईयर 3 पे जाएंगे क्या? पहले तो मतलब नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना? हाँ वो तो करेंगे, मैं सिर्फ ये कॉस्ट वाली लाइन का इंटरप्रिटेशन बताया मैंने, अभी कुछ नहीं बताया। ये जो लाइन लिखी है कॉस्ट वाली का, इसके बेसिस पे आपकी जो कॉस्ट आएगी वो पर यूनिट कॉस्ट क्या क्या है वो दिखाई है मैंने। देखो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे ईयर 3 का 1 लिखा हुआ है, विच वॉज हाफ द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 2, तो ईयर 3 का हाफ है किससे, जो ईयर 2 में था। ईयर 2, ईयर 3 अगर 1 है तो ईयर 2 में 2 होगा, तभी तो हाफ हुआ 1। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 वॉज 1/3 ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 1, तो अगर ईयर 3 में 1/3 था तो 1/3 किसका, 1 किसका, 1/3 हो सकता है, 3 का 1/3 हो सकता है। बेसिकली ये बस बताया मैंने, और कभी कुछ बताया नहीं है। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। हाँ, एम आई ऑडिबल? गाइस एम आई ऑडिबल? यस सर। सर नहीं आ रहा क्वेश्चन। नहीं आ रहा ना, ठीक है।
ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट ईयर्स एंड द रेस्पेक्टिव नेट प्रॉफिट्स आर प्रेजेंटेड इन द फिगर। ठीक है, ये जो लाइंस वाला पार्ट है ये आपका नंबर ऑफ यूनिट शो कर रहा है, ब्लैक वाला पार्ट है वो नेट प्रॉफिट शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड चीज क्या बोलिए, ये जो मैंने आपको ये वाला पार्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है, कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट बेसिकली। ठीक है, देन टैक्सेस आर पेड ऑन द सेलिंग प्राइस एट 10%, 13%, 15% रिस्पेक्टिवली फॉर द 3 ईयर्स। मतलब सेलिंग प्राइस का 10% टैक्स है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का 13% टैक्स है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का 15% टैक्स है। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ है, डिफरेंट बिटवीन सेलिंग प्राइस और डिफरेंस सेलिंग प्राइस एंड द सम ऑफ कॉस्ट एंड टैक्सेस। तो जो कॉस्ट था प्लस टैक्स था, ठीक है, तो कॉस्ट प्लस टैक्स का जो सम है और सेलिंग प्राइस जो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको नेट प्रॉफिट शो करता है। ठीक है, चलो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सर तीनों यूनिट है, जितना नंबर ऑफ यूनिट है उससे गुना कर देंगे, मतलब जितना है कहाँ तक, सर जैसे 100, सर जैसे जो आया है ना y3 = 1 एंड y2 = 2 एंड y1 = 3, तो उसमें जो ग्राफ में दिया हुआ है 100, तो 100 × 1 हो जाएगा, जैसे ईयर वन का सॉरी 100 × 3 300 हो जाएगा, ईयर टू का 200 × 2 400 और ईयर थ्री का 300 × 1 हो जाएगा, और देखिए। फिर शायद जितना नेट प्रॉफिट। हाँ, ये ठीक है, एक तरीका आपका ये हुआ। दूसरा तरीका एक होता है कि पर यूनिट में सॉल्व करिएगा। पर यूनिट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नेट प्रॉफिट है आपको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको पर यूनिट प्रॉफिट निकल के आएगा। मतलब आपने एक तरीका जो बोला जहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट कंसिडर करनी है, जहाँ आप यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे ईयर थ्री के नंबर ऑफ यूनिट 300 है तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट 300 मिल जाएगी, यहाँ पे 200 है तो 200 × 2 मिल के 400 हो जाएगी, और यहाँ पे 100 × 3 मिल के 300 हो जाएगी। यही कह रहे थे आप, सर है ना। देन आपने बोला कि जो नेट प्रॉफिट है वो गिवन है, कॉस्ट आपको पता चल गई है, टी जो है टैक्स, टैक्स विल बी 10% ऑफ एसपी, तो बेसिकली 0.1 × SP, राइट। ये फर्स्ट ईयर के लिए होगा, तो फर्स्ट ईयर की इक्वेशन क्या बनेगी, लेट सपोज ईयर वन है, ईयर वन का नेट प्रॉफिट आपका है 240, सेलिंग प्राइस आपकी छोड़ दो अभी नहीं पता, कॉस्ट कितनी आ रही है फर्स्ट ईयर की 300, तो 300 प्लस टैक्स क्या है 0.1 ऑफ SP। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है कि नहीं है, एसपी जी है ना। ये SP1 ले लो, SP1 क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहां से आप SP1 की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल पाओगे कि नहीं, इतना ठीक है। ऑडिबल हूं ना मैं, यस सर, यस सर, जैसे SP1 निकाला कैलकुलेशन वैसे ही SP2 भी निकाल लो, SP3 भी निकाल लो, और 2 और 3 का रेशो ले लो, रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस ईयर 2 और ईयर 3 बोला है ना, 1 निकालने की तो जरूरत ही नहीं थी, सीधा 2 और 3 निकालना था। तो 2 और 3 निकालने के लिए क्या करोगे, नेट प्रॉफिट क्या लोगे, 296, ठीक है, सेलिंग प्राइस तो छोड़ दो, कॉस्ट क्या लोगे 400, तो 296 है, सेम यही लॉजिक चलेगा, प्लस सेलिंग प्राइस, यहाँ पे टैक्स कितना है 13%, तो ये हो जाएगा 0.13 × SP2 जो टैक्स होगा वो। यार कोई कैलकुलेट करते चलना ना साथ में, 0.13 × SP2, तो बेसिकली ये माइनस का जो 400 होगा ओपन, एक चीज, एक मिनट रुकना, ये प्लस ना जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, नॉट प्लस, ये माइनस होगा, इट विल बी 0.9 नॉट 1.1, सॉरी 0.9, कैलकुलेशन मिस्टेक था मेरी तरफ से। ये बेसिकली SP1 विल बी 600, ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक यूज होगा, ये 296 हो जाएगा, SP2 कितना है आपका पता नहीं अभी, आपको छोड़ दो उसको, माइनस कॉस्ट आपको पता है कितनी है 400 माइनस 0.13 SP2, 400 हो जाएगा तो 696 हो जाएगा, 696 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 0.87 ना, 696 डिवाइड बाय 0.87
सेवन इज इक्वल टू एस पी टू, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, आपके पास कैलकुलेटर होता है कर लेना। 29 3 से 87 होता है ना, तो 3 से डिवाइड करोगे तो एटलीस्ट 3 से तो हो ही जाएगा। 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.29 पॉइंट, ये ऊपर चले जाएगा 29 8 2 32 होता है, तो समवेयर अराउंड 800 आपकी ये प्राइस आ जाएगी एस पी टू की, यस सर, 800, है ना। 800, सिमिलरली यस एस पी सर, थ्री निकालना है आपको, एस पी थ्री विल बी वॉट, ये कितना है, 210, 210 प्लस 300 510, और कितना 15% है, तो 0.85, तो 510 डिवाइड बाय 0.85 ये हो जाएगा 17 3 17 5 कितना, 600 आ रहा है क्या, 30.5 0.5, 300 यस सर, 600, होगा, तो रेशो ले लेना, एस पी थ्री एस पी टू आ गया ना, रेशो 2 और 3 से 3 का मांगा, तो 800 बाय 600 आपका रेशो आ जाएगा, तो 3:4, 4:3 आई गेस, या फोर, हाँ 4:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्सेल वालों थोड़ा ध्यान रखना है ना, इट्स नॉट इजी, जितना आपको लगता है उतना तो इजी नहीं है, बहुत ध्यान से करना, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के करोगे सब बनेगा। मैं भी तुम्हारे सामने पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कोई पहले से पढ़ के नहीं आया हूँ ये सब, ठीक है ना। तो क्वेश्चन रीड करो, इक्वेशन बनाओ, लाइन जहां से जैसे एक एक लाइन का एक एक वर्ड का बहुत ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो छोटी सी मिस्टेक अभी 3:4 और 4:3 वाली हुई है, ये भी आपसे गलती करा सकती है, सो बहुत प्यार से करना, 3 मिनट बहुत होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इतना तो टाइम लगता भी नहीं है, तो पूरे 65 क्वेश्चन करने भी नहीं होते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है शायद। चलो करो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनना चाहिए ना, इसमें कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है, एस हाँ? एस ये बोला ना आपने, ठीक सर, एस होगा, है। एनीबडी एल्स को ट्राई कर रहा है तो मुझे बता दो ना, मैं शुरू करूँ। चलो शुरू करते हैं, क्या लिखा है, एस इज टॉलर देन आर, ठीक है, मैंने 6 पोजीशन रखी हुई है फिलहाल, एस इज टॉलर देन आर बोला है, तो एस इस तरह टॉलेस्ट वाले चलेंगे, मतलब जो भी है इधर सबसे लंबा इधर सबसे छोटा, फिलहाल बोला है कि एस इज टॉलर देन आर, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, क्यू इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ तो क्यू आ गया,
फिक्स। देन क्या लिखा, यू इज टॉलर देन ओनली वन स्टूडेंट, यू इज टॉलर देन ओनली वन स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू, ठीक है। फिर क्या लिखा है, टी इज टॉलर देन एस बट इज नॉट द टॉलेस्ट, तो टी इज टॉलर देन एस बट नॉट द टॉलेस्ट, तो टी के पहले भी कोई बंदा होना चाहिए मतलब, तो ये चार ऑर्डर तो अपने आप फिक्स हो गए, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा। अब क्या बोला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर टॉलर देन आर, आर से जितने बड़े हैं, कितने लोग बड़े हैं, दो लोग बड़े हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्टर देन, दो मतलब किससे छोटे होंगे, दो लोग, दो लोग ये, दो लोग इससे छोटा, ऐसा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आंसर दो लोग आर से बड़े हैं तो दो दो लोग लोग छोटे होने चाहिए, एस से छोटे हो सकते हैं दो लोग, बाकी और नहीं सर, तीन लोग आर से बड़े हैं, तीन लोग आर से बड़े हैं तो जितने आर से बड़े हैं, आर से बड़े तीन लोग कैसे हो सकते हैं। सर पीटीएस अच्छा मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं पीटीएस सॉरी, हाँ थैंक यू फॉर मनी, द नंबर सेम डेट टॉलर देन आर, हाँ ठीक है, मैं उल्टा कर लिया था, मैंने शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट को रिवर्स कर दिया था, ठीक है। तो आर से बड़े तीन लोग हैं, तो एस से बड़े, एस से छोटे भी तीन लोग यहाँ पे इस तरफ, राइट, थैंक यू, हाँ दैट वॉज माई मिस्टेक। ओके सो क्लियर है, सो आई थिंक इससे ज़्यादा अगर मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, अगर एक कुछ ईयर का पेपर और सॉल्व करने जाएंगे तो, ऑलरेडी 2.5 घंटे की क्लास लगभग हो चुकी है। सो आई विल से कि यहाँ पे खत्म करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे तो लाइक 22 और 23 के क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे तो 23 मतलब ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ 23 का करना है ना, 23 के तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि 23 भी होगा, 22 21 करवा दिया है, आज आपने 21 कराया ना? हाँ 22 21 करा दिया है, हाँ और सो 23 19 18 17 ये सारे आपको ट्राई करने हैं, कल देखते हैं जितना जल्दी हो पाएगा आई ट्राई टू फिनिश, एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि 16 तक के ओके पेपर में आपको करा सकूँ, क्योंकि 16 का जो पेपर था वो बैंगलोर ने बनाया था, सो आई जस्ट वॉन्ट टू कि 16 तक के पेपर एटलीस्ट मैं करा सकूँ, उससे पहले वाले पेपर अब कर लेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कहीं डाउट आएगा तो ऑब्वियसली मुझसे पूछ लेना। ठीक है सर, ओके इस सर, बैच में आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? कौन से वाले बैच में, CSIR CSIR के बैच में मैं अपनी क्लासेस 15 फरवरी के अराउंड से स्टार्ट करूंगा, 10 के अराउंड आई थिंक गेट का पेपर है, मैं इससे पहले नहीं कर सकता, देर इज अ रीज़न कि यहाँ पे गेट एक्सेल वाले बच्चे बहुत सारे हैं, राइट, तो फिर वो टाइमिंग क्लैश होते हैं, इसलिए मैं रात के 9 बजे का सेशन ही मुझे रखना इसलिए पड़ता है जनरल एप्टीट्यूड का, क्योंकि अगर मैं रखूँगा तो जनरल एप्टीट्यूड के जो एक्सेल वाले बच्चे हैं वो CSIR से क्लैश करते हैं, दैट इज़ द ओनली यस रीज़न कि मैं सर, शाम को क्लास रखता हूँ, राइट, और CSIR की मोस्ट ऑफ द क्लासेस आपकी शाम को ही होंगी, रात के 9 बजे वाली, क्योंकि बाकी के स्लॉट्स तो मुझे मिल भी नहीं रहे। कोई नहीं, CSIR के लिए आपके पास इनफ टाइम है, आराम से करेंगे, परेशान मत हो, एटलीस्ट मतलब मैं तब भी यही करूँगा, ये जो वीडियोज़ हैं आपके गेट के, आई सजेस्ट कि आप लोग देख लेना, मैं बोलूँगा कि जनरल एप्टीट्यूड के वीडियो CSIR में अपलोड करवा देंगे, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके रेशियो प्रोपोर्शन और ये जो भी मैंने पढ़ाया है, बेसिक बेसिक चीज़ें मैं अपलोड करने बोल दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ भी कर सको, क्योंकि एप्टीट्यूड है, चेंज नहीं होते कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल हम ऑब्वियसली बढ़ाएंगे, क्योंकि CSIR इज डिफिकल्ट देन गेट इन टर्म्स ऑफ बोलूंगा कि लैंग्वेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, बट हाँ लैंग्वेज के केस में डिफिकल्ट होता है, इस साल का मैंने CSIR का पेपर सॉल्व किया है, सो मैं बता सकता हूँ लैंग्वेज में डिफिकल्टी आएगी CSIR में, है यस सर, ना, तो हम इसी को एक तरीके से मैं बोलूँगा कि जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, बस एक लेवल ऊपर चलेंगे लैंग मतलब क्वेश्चन के टर्म्स में, डिफिकल्टी लेवल के टर्म्स में, बस और कुछ नहीं।
ओके सर, ठीक है। और कल मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको वो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, कल या परसों में, जो गेट बायोटेक के जो क्वेश्चंस हैं एप्टीट्यूड वाले, सो वो वाले PYQs भी आप कर लीजिएगा। और आपको लगता है तो किसी और स्ट्रीम के, स्ट्रीम मीन्स केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग के जो गेट के पेपर होते हैं उनका भी आप वो जो PYQs हैं एटलीस्ट जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट के आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चंस की कमी पड़ती है जनरल एप्टीट्यूड में, तो खासतौर से इंग्लिश के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, इन्फेरेंस निकालना, कंक्लूजन निकालना, या फिर ये जो एनालॉजी आती है, सिलॉजिज्म आता है, बेसिकली रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, फॉर दोज क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अदर स्ट्रीम्स। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या PhD का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन-टू-वन डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।